मौलाए कायन ने फरमाया कि इससे मदद लो कुरान करीम की किताब से मदद लो जो कुरान से मुतमस्क जुड़ा हुआ रहे चाहे रोजाना एक पेज एक रुकू पढ़ने के जरिए से ही ये मैं कलाम इमाम नहीं कह रहा ये अपनी जानिब से है कि चाहे एक रुकू पढ़ने के जरिए से ही ये बिटवीन द ब्रैकेट मेरा बंदे का जुमला है लेकिन इंसान एक वर्क एक पेज आधा घंटा पंद्रह मिनट ही की तिलावत के जरिए से कुरान करीम से अगर जुड़ा रहे तो मौला ये इरशाद फरमाते हैं कि मर्ज बीमारियां उसके करीब नहीं आएंगी इसलिए कि यह शिफा है जुलमत इसके करीब नहीं आएगी इसलिए कि कुरान नूर है और फकर इसके करीब नहीं आएगी इसलिए कि यह तवंगरी है यह बेनियाजी है कुरान करीम बेनियाज करने वाली किताब है और खुद आप देख लीजिए इस खुदी कुरान करीम के अंदर ऐसे सूरे हैं कि जिनके एट्रीब्यूट्स के अंदर उन सूरों के खसूसियात सुरहाय कुरान करीम आप जाकर किताबें हैं टी डी एफ फॉर्मेट में हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और मुख्तलिफ आपकी सहूलत की जबानों के अंदर वो किताबें मौजूद हैं कि जिन में खवासो सरआन करीम कुरान करीम के सूरों की खसूसियात वो लिखी हुई है उनके अंदर मौजूद है आपको मिल जाएगा कि किस सूर्य की क्या खसूसियत है उनमें कुछ ऐसे सूर्य हैं कि इंसान अगर इज्जत चाहता है कि लोगों के दरमियान उसे इज्जत मिल जाए तो वो फला सूर्य की तिलावत करे वो चाहता है कि तंगदस्ती खत्म हो जाए बेनियाजी हो जाए उसके किसी का मोहताज ना हो तो फुला सूर्य की तिलावत करे अगर चाहता है कि आफात तो बलियात से महफूज हो जाए तो हमेशा फला सूर्य की तिलावत करे आपको ये सारी खसूसियात वाले सूर्य मिल जाएंगे लेकिन छठे मामले सलातम ने एक ऐसी हदीस इर्शाद फरमाई कि अगर इस हदीस को भी हमने थाम लिया तो तकरीबन हमारे मसाइल कुर करीम से हल होते हुए नजर आते हम र सी बात है हम तो वो हैं कि जो सिर्फ़ कुरान नहीं बल्कि कुरान और इतरत अहल बैतूल के साथ साथ थामे जाने के कायल हैं लेकिन जो इमाम मासूम ही ने कुरान की खसूसियात बयान की है वो आपकी खिदमत में अर्ज की जा रही है छठे फरमाते हैं कि मुझे ताजुब है कि लोग चार मुश्किल चार चीजों के जरिए से क्यों हल नहीं करते अपनी चार बड़ी मुश्किल इन चार आयात कुरानी के जरिए से क्यों हल नहीं करते मुझे ताजुब है कि जिसे खौफ हो वो हसब्ला वकील क्यों नहीं पड़ता छठे मामले फरमाते हैं कि मुझे ताजुब है बड़ा उस शख्स पर कि जिसे खौफ हो वो हसबून अल्लाह नमल वकील क्यों नहीं पढ़ता इसलिए कि जब हसब्ला नमल वकील पढ़ता है तो वहां से आवाज़ आती है फनबू ब फजलू के याद रखना हमने पलट दी तेरी मुकद्दर तेरे मुकद्दर को पलट दिया है अब बुराई तेरे करीब नहीं आएगी इंसान कहता है हजबुर अल्लाह व नेमल वकील और वहां से आवाज आती है कि फिक्र न कर हमने तेरी किस्मत को बदल दिया अब कोई बुराई तेरी तरफ नहीं आएगी जिसका खौफ था अब उससे आमान पाकर बैठ जा जिसको गम है वो ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की तिलावत क्यों नहीं करता इसलिए कि जब अल्लाह का बंदा ये आयत पढ़ता है तो परवरदिगार आलम

मुरुवतें इतनी मर चुकी हैं इंसान का जमीर इतना मुर्दा हो चुका है कि जिसको जहां मौका मिलता है जिसका माल उसके पास अमानत के तौर पर आए या किसी और मामले में उसके पास आए वो वापस नहीं देगा चाहे वो छोटी रकम हो और अगर बड़ी रकम हो तो और ज्यादा आजकल के जमाने में आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं कितनी ऐसी आवाजें आ रही हैं फुलां साहब मोमिन फुला का इतना माल लेकर गायब फरार वो फुला साहब फुला का इतने बड़े माल का घबन करके गायब ये क्यों हो रहा है इसलिए कि जलाल पर से तबकुल उठ गया इसलिए कि आले मोहम्मद आलम तो सलाम की करीमी पर ईमान कमज़ोर हो गया हम ये समझते हैं कि बस अब जो है वो माल है इज्जत मिलेगी तो माल से मिलेगी एहतराम मिलेगा तो माल से मिलेगा अगर माल ना हुआ तो कुछ नहीं हो सकता माल ना हुआ ना अगर ना हुआ तो माल ना हुआ आले मोहम्मद तो हुए अगर माल ना हुआ तो क्या आले मोहम्मद भी ना हुए आपने सब कुछ अपना हम माल को बना लिया है लोगों को अगर इज्जत देते हैं तो माल की एवज माल के बेस पर इज्जत देते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा माल है उसको उतनी ज्यादा इज्जत छोड़ दीजिए इसलिए कि ये काम सारे शैतान के काम है खैर तो इमाम फरमाते मुझे ताज्जुब है इस बात पर कि जो मकर जिसके साथ हुआ हो वो ये आयत क्यों नहीं पढ़ता हुआ फवकाहुल्लाह उल्ला सै आते माह जवाब आता है परवरदिगार का फवकाहुल्लाह उल्ला सै आते माह मकर उन लोगों की बुराइयों से उसे बचा लेता है जो मकर करने वाले लोग हैं और जो चाहता है कि उसे दुनिया की जीनत और दुनिया का खैर मिल जाए उसे क्या चाहिए उसे चाहिए कि वह माशा हो लाख वत की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे परवरदिगार आलम उसकी दुनिया की नमतों में और उसकी जीनतों में इजाफा फरमाता है